सो गाइस ये है, सो गाइस फाइनली मैंने ये वाला गद्दा चूज कर लिया क्योंकि मुझे। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। होप यू ऑल वेल, और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। सो गाइस आज है कितना सितंबर, आज है 4 सितंबर या 5, मेरे को याद नहीं है, आई थिंक 4 सितंबर है। अभी मैं नहा धो के आ गई हूँ और मैंने कपड़े पहन लिए, और फिलहाल अभी जा रही हूँ मैं चंडीगढ़, क्योंकि मैं रक्षाबंधन से यहीं थी, मैं गई नहीं थी, तो फिर अभी मैं चलती हूँ चंडीगढ़। मेरे हस्बैंड तो चले गए थे, मतलब 10-15 दिन हो गए उनको जाके, तो की तो ड्यूटी थी बट मेरी कोई ड्यूटी नहीं है, तो फिर मैं आज जा रही हूँ 4 सितंबर। और सुबह से इतनी बारिश हो रही थी, बहुत ज़्यादा बारिश, और मेरी पैकिंग हो चुकी है। सो गाइस मेरी पैकिंग हो चुकी है, और मैं भी दिखाती हूँ कितना खलारा यहाँ पर मैंने डाला है। देखिए मेरा मेकअप किट वगैरह कुछ नहीं आ रहा, मैं यहीं छोड़ के जाऊँगी। और पे देखिए मेरी क्या बोलते हैं, छोटा ट्रॉली बैग नहीं लेके जा रही, छोटा ही वाला बैग लेके जा रही, और इधर भी कुछ शूज़ वगैरह रखा है मेरे इसमें। तो अभी फ़िलहाल मैं कपड़े पहन लिए और बहुत मेकअप करूँगी, मेकअप क्या करूँगी, क्रीमी लगाऊँगी, हल्की सी लिपस्टिक लगाऊँगी। तो फिलहाल अभी मैं अपना, अभी बच चुके हैं 1, तो अभी मैं अपना लंच भी पैक कर लेती हूँ, क्योंकि मेरी जो क्या बोलते हैं, या तो मैं हिमसुता में जाऊँगी, हिमसुता 3 बजे जाएगी, तो फिर लंच मैं अभी करके जाऊँगी क्योंकि मेरे को भूख नहीं है। तो मैं सोच रही पैक करके लेके जाऊँगी और बस में ही खा लूँगी, तो बस स्टे तो लेती है, वहाँ खा लूँगी। तो अभी फ़िलहाल मैं अपना लंच पैक कर लेती हूँ, और मैंने लंच पैक में कर लिए हैं इसमें फ्रूट, और इसमें कर ली है 1 रोटी एंड मशरूम की सब्ज़ी, क्योंकि मैं लंच में 1 रोटी ही खाती हूँ, 1 भी बहुत कम खाती हूँ, फ्रूट ही खा लेती हूँ। तो अभी फ़िलहाल मेरे दोनों बॉक्स पैक हो गए हैं, और इसमें मेरा थोड़ा बहुत सामान है, मेरी सास ने दिया है, मतलब थोड़ा बहुत क्या बोलते हैं, जीरा। पहले मैं यहाँ से अपने वहाँ तक शुभखेड़ा तक जाऊँगी पैदल, और इतना हैवी बैग कैसे लेके जाऊँगी, क्योंकि मेरे को छोड़ने वाला भी नहीं है यहाँ पे, कोई भी नहीं है, बंटी भाई भी नहीं है, और जो हमारे भैया नीचे किराएदार वो भी ड्यूटी चले जाते, तो अभी मेरे को छोड़ने वाला कोई नहीं फ़िलहाल। तो फ़िलहाल मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा कम से कम 300-400 मीटर, 100 मीटर 200 मीटर दूर शुभखेड़ा। रिक्शा पकड़ूंगी, फिर बस स्टैंड जाऊंगी, वहाँ से 3 बजे है बस, इसमें क्या बोलते हैं, एसी वाली हिमसुता ही, आई थिंक हिमसुता ही है बस पे। अगर उससे पहले कोई मिल जाती है सीटी वगैरह हरियाणा रोडवेज, तो उसमें भी चली जाऊंगी, क्योंकि अगर इनका बसों का कभी रहता, कभी आती कभी नहीं आती, फिक्स नहीं रहता। पहले मुझे जाना था 11:30 वाली बस का, मुझे पता है देहरादून से आती है हिमसुता, लेकिन बारिश इतनी हो रही थी कि मैं जा नहीं सकी, तो ग्रीनरी हो रखी, और अभी बारिश हो के तो बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे धान की खेती, धैन बोल रही हूँ, यहाँ पे धान की खेती है, और पीछे इधर मक्की लगी हुई है, और बहुत ही अच्छा व्यू के लिए हो गई हूँ तैयार। तो अभी मिल गई थी मेरे को सीटी, और मैं सीटी में बैठ के जा रही थी, तो फिलहाल अभी निकल गई थी पोंटा से, मैं पहुँची चौक, अब मैं पहुंच गई ट्रिविन चौक, और मेरे हस्बैंड मेरे को लेने आएंगे, और सनसेट हो रहा है। मैं पहुंच चुकी हूं अपने रूम, और मेरी हालत बहुत खस्ता है, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी बस में, इतनी ख़राब हो गई थी ना, मतलब मेरे को अभी भी सिर दर्द हो रहा है, पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। मेरा फर्स्ट नहीं, वैसे तो मेरी तबीयत ख़राब होती है, मैं मतलब सफ़र नहीं कर सकती, बट प्लेन में मेरी नहीं होती, अगर पहाड़ में ज़्यादा जाना पड़ता है तो ज़्यादा तबीयत। और आज तो मेरी ना ढोलक कोल्लर से और लेके कालान तक ऐसा लग रहा था, और सीटी बस में थी मैं, और उल्टी का अब ऐसा लग रहा था, अब भी उल्टी हो जाएगी, अब भी, और इतनी सिर दर्द हो रही थी इतनी ज़्यादा। शुक्र है मैं पोंटा से अपने साथ 1-2 नींबू ऐसे ही रख दिया, क्योंकि वहाँ एक्स्ट्रा पड़े हुए थे, मैंने कहा लेके जाती हूँ वहीं। मैंने ना बस में वही कच्चा, मतलब कटा हुआ भी नहीं था, वही खा ले, इतनी तबीयत ख़राब हो रही, अभी भी सिर में दर्द हो रही, इतनी तबीयत ख़राब। तो अभी फ़िलहाल मैं रूम आ गई हूँ, और मैं अपने हस्बैंड के लिए लेके आई हूँ चिज्जी लेके आई हूँ, और चिज्जी मैं इनको देती हूँ, और ये चिज्जी मैं ही खाऊँगी, बहुत कम खाएंगे। चॉकलेट मैं इनके लिए कभी ले गया था, चॉकलेट ही ले गया था, और मैं इतनी बड़ी चॉकलेट लेके आई हूँ डेयरी मिल्क सिल्क, इतनी यम्मी होती खाने में, बट मैं इनके लिए लेके आई हूँ, बट इन ये कम खाएंगे मुझे पता है, और मैं ज़्यादा खाऊंगी। थैंक यू तो बोल दो। थैंक यू क्या बोलूँ, एक बार ला दिया तो क्या हो, एक बार ला देना बोल, थैंक यू क्या बोला, तू मेरे को थोड़ी सी दे देगी, खुद सारी खा लेगी, है ना, दिखाने के लिए।
यार नहीं मैं आपके लिए लेके आई, बट मैं खाऊंगी तो मैं ही ना, मैं तो ऐसे लाई हूँ आपके लिए। डाइटिंग यार मैं अभी डाइटिंग। गुड मॉर्निंग, और आज हो गया नेक्स्ट डे। तो यहाँ पे देखो मैं अपना पार्सल लेके आई हूँ। मैंने नायका से ऑर्डर किया था डॉट एंड की के फेस वॉश एंड ऑल, उसमें सब कुछ था। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ अनबॉक्सिंग करके। इसकी पैकेजिंग को देखो कितनी अच्छी है। आई लव दिस पैकेजिंग, इसकी पैकेजिंग को देखो कितनी अच्छी है। और इसमें मैंने क्या क्या मंगाया दिखाती हूँ, पहले मैं अनबॉक्स कर देती हूँ। ये लिया है मैंने डॉट एंड की का फेस वॉश, सी का क्लेमिंग फेस वॉश, ब्लशिंग क्लियरिंग जेल फेस वॉश, सीका का एंड डॉट एंड की का ब्रांड है। ये फेस वॉश है, ये सीरम है, और ये कितना प्यारा है छुटकुजा, ऐसा लगता है इसने टोपी पहनी हुई। और ये तो मुझे इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी लगी, और ये वाला बोतल तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रीटी लग रहा, कैसा लग रहा। और फिर है ये सनस्क्रीन, ये है सनस्क्रीन। सबसे पहले फेस वॉश करो, फिर सीरम लगाओ, फिर मॉइस्चराइज़र लगाओ, फिर सनस्क्रीन लगाओ। तो ये मैंने लिया था पूरा कॉम्बो 1430 रुपीज़ में, 1430 रुपये में मैंने लिया था ये, और ये कॉम्बो मिल रहा था पूरा। और अब मैं इसको मैं इसको यूज करके आप लोगों को इसके साथ इसका रिव्यू शेयर करूँगी कि कैसा है, ख़रीदना चाहिए कि नहीं ख़रीदना चाहिए। बट पहले मैं इसको यूज़ कर लूँ और फिर मैं आपके साथ इसका रिव्यू जरूर शेयर करूंगी। तब तक के लिए मिलती हूँ थोड़ी देर में, बाय बाय। सो हेलो एवरीवन, जैसे आप लोगों को पता है कि कल मैं चंडीगढ़ आ गई थी, तो आज है मतलब कल आई, तो मैं आज नेक्स्ट डे हो गया है। तो अभी फ़िलहाल हम जा रहे हैं मार्केट, क्योंकि हमें लेना था अपने लिए शू रैक। तो शूज़ हमारे बाहर ऐसे पड़े होते तो फिर वो अच्छे नहीं लगे, तो सोचा शू रैक ले लेते हैं। और मैंने मंदिर ऑनलाइन मंगाया था बट वो अच्छा नहीं आया, तो मंदिर भी हमने अलमारी में ही रखा, तो वहाँ पे अच्छे से पूजा नहीं हो पाती, सोचा मंदिर भी ले लेंगे। तो अभी फ़िलहाल हम जा रहे हैं मार्केट और फिर मैं आपको वहीं दिखाऊंगी मैं क्या क्या लूँगी। वो है इंडस्ट्रियल एरिया, यहाँ पे सारी मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है ना। सो गाइज आज हमने ले लिया मंदिर की स्थापना करेंगे हम, आगे थे मार्केट और चलते हैं अपने मंदिर को लेके। और हम मैटर्स की शॉप पे मैटर्स ले रहे थे अच्छे वाले, हम ले रहे थे यहाँ से मैटर्स, और ये वाला मैटर्स मुझे पसंद नहीं आ रहा। से कितनी बड़े। सो गाइज फाइनली मैंने ये वाला गद्दा चूज कर लिया, क्योंकि मुझे इस हम लोग अभी मार्केट से आ गए हैं, और आप बोलेंगे तो इसी जगह बैठी रहती है, तो अभी इसी जगह बैठूंगी, क्योंकि बेड पे बैठना होता है, चेयर पे बहुत कम ही बैठती हूँ मैं। तो अभी फ़िलहाल हम मार्केट से आ गए हैं, और हम जो लेने गए थे हम वो लेके आ गए, और उसके साथ साथ एक चीज़ और भी लेके आ गए, जिसकी मतलब नीड भी थी, वैसे थी भी नहीं बट लेके आ गए। तो अभी फ़िलहाल हम मार्केट से आ गए हैं, अभी हो गया 8:30। तो हम शू रैक भी लेके आए और मंदिर भी लेके आ गए, और इसके साथ ही मैं एक मैटर्स भी लेके आ गई, क्योंकि मुझे ये वाला मैटर्स पसंद नहीं है। मतलब कमर दर्द के लिए अच्छा है बट हार्ड बहुत है, तो मुझे स्पंची वाले मैटर्स पसंद है, तो स्पंची वाला गद्दा लेके आए हम। तो अभी गद्दा आ रहा है गाड़ी में, रिक्शा में, मतलब क्योंकि वही डिलीवरी करते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं दिखाऊँगी आपको मैं अभी सारा सामान, तो अपने मैटर्स के लिए, क्योंकि वो डबल में नहीं है, सिंगल में ही है मैटर्स, तो उसके साथ कवर भी डबल वाला मिलना बहुत मुश्किल, तो एक वाला कवर लेके आए मैं उसके लिए मैट्रेस के लिए। और ये हमारा छुटकू सा मंदिर है, और ये मंदिर लेके आ गई हूँ मैं। तो अभी मैट्रेस गद्दा आ रहा है, तो फिर मैं आपको तभी दिखाऊंगी। अभी फ़िलहाल मैं बना लेती हूँ डिनर, और डिनर में मैं सोच क्या ही बना के आऊँ, खुद तो मैं डाइटिंग पे कुछ दिन डाइटिंग पे रहती, कुछ दिन नहीं रहती। तो अभी फ़िलहाल आज जिम ज्वाइन कर लिया वापस, तो फिर डाइटिंग भी करनी पड़ेगी। तो अभी फ़िलहाल मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में, तब तक के लिए बाय। सो गाइज मैं लेके आ गई अपने लिए गद्दा, बिल्कुल स्पंची है, स्पंची बहुत ज़्यादा स्पंची है, बहुत ज़्यादा स्पंची है। अब इसको मैं इसके पीछे देखो कॉर्नर लगाऊंगी, दीवान में भी नहीं आ सकती। अभी एक कवर लगाऊंगी, इससे पूरी शो बिगड़ जाए। और ये देखो कितना बड़ा स्टैंड लेके, उससे पता लगेगा, नन्ही याद आएगी। और ये देखो स्टैंड इतना बड़ा।
यार समान निकालने के लिए ना नहीं आ रहा है। वहाँ तो नाना को आंदा ये सेटिंग करते हैं, कवर चढ़ाते हैं। सो गाइज मेरा मैट्रेस बिछ गया है और इस पे बैठ के मुझे बहुत ज़्यादा कंफर्ट फील हो रहा है एंड और क्या बोलते हैं मैं अपने कंफर्ट जोन में आ रही हूँ इस पे कम। तो मैंने अभी अपना क्या बोलते हैं डिनर विनर कर लिया है और डाइटिंग पे हूँ, स्ट्रिक्टली डाइटिंग करूँगी अब तो। तो अभी मैंने मूंग की दाल पी है बॉयल की हुई, तो क्या बोलते हैं डिनर विनर हो गया है। तो आपको मैंने दिखाया मैंने आज क्या क्या लेके आई, और मैंने जो दिन में वीडियो बनाई थी डॉट एंड की के जो प्रोडक्ट आए थे मेरे उसको मैं आज अभी मैंने यूज़ किया और उसका रिव्यू मैं आपके साथ दो चार दिन में मतलब शेयर करूँगी और ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करूँगी। तो अभी फ़िलहाल दो चार दिन उसको यूज़ करते हैं, फिर मैं आपके साथ उसका ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करूँगी। मेरा हाथ बहुत थक जाता है ब्लॉगिंग करते, वैसे मेरे पास स्टिक भी है बट स्टिक भी हाथ से ही पकड़नी पड़ती है और थक जाता है मेरा हाथ बहुत। तो अभी फ़िलहाल आज के लिए इतना ही, बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे ब्लॉग को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो मेरे चैनल पे नया जुड़ा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।